तो दोस्तों हम पैंगोंग लेक पहुंच गए थे। आज जो हमारी 35 किलोमीटर की राइड थी वो बहुत ही गंदी थी। ओवरऑल सारा रास्ता टूटा हुआ था। उन्होंने खड्डा खोद रखा है ताकि गाड़ियां आगे तक नहीं जाए, क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि कुछ गाड़ियां थी वो पानी के अंदर चली गई थी, जस्ट इंजॉयमेंट के नाम पर उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर गंदगी फैलाई थी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं स्नो पिक्स, मेरे पीछे आप देख सकते हो पैंगोंग लेक का व्यू, आप देख सकते हो यहाँ पर पानी कितना ब्लू है। आपको हो सकता है मेरी आवाज़ प्रॉपर सुनाई नहीं दे रही हो, क्योंकि यहाँ पर इतनी तेज हवा चल रही है कि खड़े होने हो पाना मुश्किल। दूसरा ऑक्सीजन लेवल जो है थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हवा तो चल रही है लेकिन सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों हम पैंगोंग लेक पहुंच गए थे, अप्रॉक्स एक घंटा हो गया हमें यहाँ आए हुए। हमने यहाँ पर खूब जगह देखी कि हम हमारा पॉपअप टेंट लगा सके और हमारी कैंपिंग वैन के अंदर कुछ बना सके, लेकिन यहाँ तो हवा बहुत तेज चल रही है और थोड़ा थोड़ा वेदर भी ख़राब हो गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरे बादल हो रखे हैं। तो बच्चों को देखते हुए हमने सोचा कि हम अंदर टेंट ही ले लेते जो यहाँ पर अवेलेबल होते हैं रेंटेड। तो अभी हमने टेंट ले लिया है, मैं दिखाता हूँ आपको वो किस तरह का है। हेलो, तो ये यहाँ आराम से बैठे हैं। तो मेरे हिसाब से हमारा डिसीजन सही रहा कि हम अंदर आ गए, नहीं तो बाहर तो बच्चों के साथ डिफिकल्ट है, बच्चों के साथ रिस्क लेना बहुत ज्यादा रिस्क हो जाती है। हवा भी चल रही है ठंडी और स्नो भी गिर रहा है। तो हाँ, बीच बीच में स्नो भी गिर रहा था, तो मेरे हिसाब से अगर हम एडल्ट होते तो हम मैनेज कर सकते थे, लेकिन ये जो छोटे बच्चे हैं स्पेशली ये हमारी जोयल, तो इसके साथ और अर्णव के साथ यहाँ पर बाहर रुकना जिसमें इतनी हवा चल रही है तो वो बीमार होने के 100% चांसेस थे। तो हमने यहाँ पर ये टेंट ले लिया था, आप टेंट दे सकते हो। ये एक सोफा कम बेड है जो कि रात को खुल जाएगा, इस पर एक जना आराम से सो सकता है। एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स जो यहाँ के मैनेजर है वो प्रोवाइड करा देंगे। और ये एक डबल बेड है किंग साइज जिसमें मैं पूनम और दो बच्चे सो सकते हैं। और इसी के साथ इसके अंदर सेम जैसे हुंडर में वॉशरूम फैसिलिटी अवेलेबल थी, तो सेम यहाँ पर भी उसी तरह से वॉशरूम है, वॉश बेसिन है, आप अपना डेली रूटीन वाला काम कर सकते हो। तो अभी हमारा बनाने का तो बहुत कुछ मन था, यहाँ पर सोच कर आए थे, लेकिन ड्यू टू वेदर कंडीशन बच्चों के साथ हमने वो प्लान पोस्टपोन कर दिया। कभी और करेंगे, कहीं और करेंगे। तो अभी देखते हैं यहाँ का सेटअप कैसा रहता है। ये बड़ा रिजनेबल रेट में हमें टेंट मिला है, हिमालयन इन करके है, हिमालयन इन। जैसे आप पहला उतरते हो तो पहली रो में जो टेंट है हिमालयन इन, वहाँ पर ही सेटअप है। तो दो लेडीज है वो एज ए मैनेजर यहाँ पर इन टेंट्स को संभालती है। तो 1500 में उन्होंने हमें ये टेंट दे दिया है, और गजब की बात यह है कि 1500 में उन्होंने विथ फूड डिनर एंड ब्रेकफास्ट हमें टेंट दिया है। हमने कोई बार्गेनिंग नहीं करी, उन्होंने खुद ने ही रेट बताया। हो सकता है कि इस बार टूरिस्ट जो है ड्यू टू वेदर कम आए हैं और इनके काफ़ी सारे टेंट्स खाली हैं, हो सकता है उस चक्कर में उन्होंने हमें कम रेट में टेंट दिया हो। तो आज का प्रोग्राम तो हमारा अंदर का ही है, अभी हमारे पास है 3-4 दिन, तो हम जो सोच कर आए थे कहीं और एग्जीक्यूट कर लेंगे, लेकिन वेदर कंडीशन को देखते हुए, क्योंकि बच्चों के साथ रिस्क लेना भी नहीं चाहिए। अभी हमारे पास और सारे दिन है, रास्ते में अगर इनकी कहीं तबीयत खराब हो गई तो संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, और इवन हमारे लिए भी वो
बहुत बड़ा टेंशन हो जाएगा। तो हमने हमें लगता है सही डिसीजन लिया। जगह है यहाँ पर टेंट लगाने की, लेकिन हवा इतनी तेज चल रही है कि आपका पॉपअप टेंट, इवन हमारे गाड़ी के अंदर भी हमने सेटअप किया हुआ बेड, लेकिन ओवरऑल ड्यू टू वेदर हमने सोचा कि हम टेंट ही ले लेते हैं। तो अभी दीदी चाय लेके आएगी, चाय पीते हैं, उसके बाद जब रात को यहाँ डिनर होगा तो हम सोचते हैं कि उससे पहले हमारी गाड़ी के अंदर हम एक हमारी गाड़ी के अंदर हम सोचते हैं सूप बना लेते हैं, ताकि किचन का भी थोड़ा बहुत काम चलता रहे, और डिनर करके हम हमारा आज का प्रोग्राम रेस्ट करते हैं। क्योंकि आज जो हमारी 35 किलोमीटर की राइड थी वो बहुत ही गंदी थी, ओवरऑल सारा रास्ता टूटा हुआ था, गाड़ी को भी देखना है, क्योंकि 35 किलोमीटर इवन सिंगल कहीं पर भी हमें प्लेन रोड नहीं मिला, सब जगह रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सब जगह पहाड़ टूटे हुए थे, तो थके हुए भी हैं। हाँ 35 से पहले वाली रोड भी ऐसी थी, लेकिन ओवरऑल जहाँ से मेन कट आता है 35 किलोमीटर जो पैच आता है वो मतलब रोड कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। हमें टाइम पर हम 2 बजे पहुंचने वाले थे, हम यहाँ पर 4 बजे पहुंचे, सुबह हम वहाँ से 9 बजे निकले थे, तो सब कुछ आज खराब हो गया मामला, बहुत थक गए हैं। अभी हम पैंगोंग लेक पर भी नहीं जा रहे, हम सुबह जाएंगे, क्योंकि इतना थक गए हम रेस्ट ही करेंगे आज। सुबह जल्दी उठकर आपको पैंगोंग लेक दिखाएंगे और वहाँ मजे करेंगे। तो पैंगोंग लेक पर आप देख सकते हो लाइन से यहाँ पर टेंट्स अवेलेबल है, आप पीछे वाली रो में भी देख सकते हो कम से कम 5-6 लाइन से जहाँ पर टेंट ही टेंट है, और हर टेंट का अलग प्राइस है। यहाँ पर आपके वुडन कॉटेज भी है जिनका प्राइस कम से कम 5.5-4.5 डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन बार्गेनिंग है। और मेरे यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं वहाँ पर वुडन कॉटेज जो अभी बंद है वो अभी बने नहीं है, और उस तरफ पीछे आप देख सकते हैं वहाँ पर खूब सारी पब्लिक खड़ी हुई है, लेकिन बहुत तेज़ हवा चल रही है और वहाँ गाड़ियाँ वहीं थोड़ा पहले तक ही जा सकती है, बीच में उन्होंने खड्डा खोद रखा है ताकि गाड़ियाँ आगे तक नहीं जाए, क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि कुछ गाड़ियाँ थी वो पानी के अंदर चली गई थी, जस्ट इन्जॉयमेंट के नाम पर उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर गंदगी फैलाई थी, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने अभी यहाँ के अथॉरिटीज़ ने एक बहुत बड़ा खड्डा खोद दिया है जिससे गाड़ियाँ और बाइक आगे ना जा सके, आप खुद उस खड्डे को क्रॉस करके पैदल जाकर आप अपना व्यू कैप्चर कर सकते हो, आप अपना इन्जॉय कर सकते हो। बहुत सारे टेंट अवेलेबल हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं स्नो पिक्स, खूब स्नो गिरी हुई है, बार बार वहाँ बादल आ रहे हैं, और हल्का हल्का अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर बिल्कुल माइल्ड स्नो भी गिरी थी। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमने यहाँ पर पॉपअप टेंट हमारा नहीं लगाया, और ना हमने हमारी कैंपर वैन के अंदर किचन जो था उसको ओपन किया कुछ बनाने के लिए। तो अभी जो यहाँ मैनेजर, उन्होंने बोला कि चाय बन गई है, आप अंदर आओ और चाय रिफ्रेशमेंट ले सकते हो। ये दीदी है जो यहाँ पर इस हिमालयन इन का मैनेजर है, ये संभालती है, तो मैं इनका अभी नंबर तो यहाँ लगता नहीं है, कार्ड है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में वो कार्ड लगा दूंगा, आप जब भी यहाँ आओगे तो फर्स्ट टेंट जो है वो इन्हीं का ही है, और ये हिमालयन है, मैं इसका फोटो यहाँ पर लगा दूंगा। तो दीदी आप बता दो यहाँ पर क्या क्या कितने टेंट्स अवेलेबल हैं? यहाँ पे 13 है, पर अभी उसके बारे में श्योर नहीं है, सोच रही थी नेक्स्ट ईयर कॉटेज बनवा देती हूँ। कॉटेज बनवा देंगे, तो 13 टेंट्स है, और आप जो भी यहाँ पे प्राइस लेते हैं उसमें ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड होता है, वेलकम टी है सुबह का। हाँ वेलकम टी है, तो ब्रेकफास्ट और डिनर भी आप अपना प्राइस जो भी है वो कर रहे हैं। ओके, तो आप जब भी यहाँ आए इन दीदी की शक्ल ध्यान रख लो, जब भी आओ ये यहीं बैठी रहती है, और मैंने बाकी टेंट्स भी देखे थे, मैं इन दीदी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैंने देखे बाकी टेंट्स, सही में थोड़े से हाइजीन इश्यूज था यहाँ पर, मैंने आपको मेरा सेटअप दिखाया अंदर का, वो फुल क्लीन था, और दीदी कह रही है कि अगर ब्लैंकेट चाहिएंगे तो वो अलग से प्रोवाइड करा देंगी। तो चलो आते हैं, चाय पीते हैं अंदर बैठ के। हाँ भाई चाय कैसी है? बस जोरदार एकदम। ओके, तो इनका नाम संजय है, ये यहाँ पे सारा किचन का काम देखते हैं। तो ये इनके किचन का एम्बियंस है, आप देखो बिल्कुल क्लीन है, और लाइट्स वाइट्स प्रॉपर है। तो यहाँ पर अभी इन्होंने बताया कि लाइट आती जाती रहती है, प्रॉपर 7 बजे यह लाइट आती है, जो 11 बजे तक अवेलेबल रहती है, उसमें आप अपने मोबाइल फ़ोन, अपने गैजेट्स, पावर बैंक, कुछ भी चार्ज करना हो वो चार्ज कर लो, फिर 11 बजे से सुबह 6 बजे तक यहाँ लाइट नहीं रहती है, फिर 6 बजे के बाद लाइट आती है विद इन मतलब कुछ देर के लिए, 1-1.5 घंटे के लिए, फिर पूरे दिन यहाँ लाइट नहीं रहती है। तो आप यहाँ देख सकते हो किचन एकदम क्लीन है, डाइनिंग जो भी इनका है आती है आपको
सबसे पहले वेलकम टी दिया जाता है, उसके बाद 8-8:30 के आसपास इनका डिनर है, सुबह ब्रेकफास्ट है, और फिर आप अपना व्यू इंजॉय करके आप अपना वापस निकल सकते हो। बाकी अच्छा इनका अरेंजमेंट है, आप आओ और ज़रूर आओ। यहाँ आप देख सकते हो हिमालयन इनका बोर्ड है और इसमें उसके कॉन्टैक्ट नंबर भी है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका नंबर ना नेम ये लगा दूंगा। जब भी आप आओ यहीं आओ, क्योंकि क्लीन है और दीदी है लेडी संभाल रही, बाकी लोग जेंट्स हैं। वो है ना, हमें अभी नीचे रेट बताया था 4200 रुपये का, जिसमें वो विथ फूड और डिनर वो देंगे। मतलब मुझे ही नहीं पता कि दीदी ने हमसे 1500 ही क्यों चार्ज किया। मे भी हो सकता है कि इनके जो ये टेंट्स हैं ये खाली पड़े हैं, और बीच नीचे वाले जो टेंट्स हैं वो शायद एक दो ऑक्यूपेंसी है, तो हो सकता है उस वजह से उन्होंने टेंट के रेट बढ़ा रखे हों। लेकिन मुझे थोड़ा सा हाइजीन इश्यूज लगे, इनके टेंट बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। तो आप आओ हिमालयन इन के अंदर और यहाँ रहो और अपना सामने वाला व्यू जो है वो इंजॉय करो। खूब सारे वहाँ पर 3 इडियट के मोमेंटो लगे हुए, आप उनको यूज़ करो, फोटोग्राफी करो और यहाँ पे वेदर का एंजॉयमेंट लो। कितना अच्छा वेदर हो रखा है, एकदम जैसे ये सिर्फ वैसे लग रहा है जैसे हमारे विंडोज़ के सर्वर के जैसे वॉलपेपर आते थे, सेम वैसे के वैसे लग रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि अपन अभी टाइम है, अभी मेरे को लगा था कि अंधेरा हो जाएगा लेकिन अंधेरा नहीं हुआ है, तो हम एक बार नीचे राउंड मार के आए थे गाड़ी लेके और फिर हम टाइम से वापस आते हैं और बाकी इंजॉयमेंट करते हैं। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो पैंगोंग लेक का व्यू, आप देख सकते हो यहाँ पर पानी कितना ब्लू है, और पीछे वाले पहाड़ देखो, अभी सनसेट होने वाला है, उस वजह से वो पहाड़ों पर जो बर्फ़ है वो चमक रही है, और यहाँ वाले पहाड़ पूरे के पूरे ब्लैक नज़र आ रहे हैं। आपको हो सकता है मेरी आवाज़ प्रॉपर सुनाई नहीं दे रही हो, क्योंकि यहाँ पर इतनी तेज़ हवा चल रही है कि खड़े होने हो पाना मुश्किल है। पूनम को और जोएल को मैंने वापस भेज दिया है, क्योंकि वो यहाँ पर खड़े नहीं हो पा रहे, और जोएल को बहुत तेज़ ठंड लग रही है तो वो वापस अपने टेंट में चले गए हैं। तो लोग इसी व्यू को देखने के लिए यहाँ पर इतनी दूर से यहाँ आते हैं, और आप देखो सिनेमेटिक व्यू, ये चारों ये लेक पूरे पहाड़ों के बीच में ये लेक है, और जो पीछे वाले पहाड़ है आप देखिए, वो जो पीछे वाले पहाड़ है अभी कह रहे हैं कि रात को यहाँ पर टेम्परेचर -2 होने वाला है। तो शायद हमारा डिसीजन बहुत अच्छा था कि हमने यहाँ पर कैंपिंग नहीं की और इसको टेंट ले लिया। तो लोग इसी को इतनी देर से दूर से देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। हो सकता है उससे बोला भी नहीं जा रहा है, क्योंकि एक तो ठंड इतनी है और दूसरा ऑक्सीजन लेवल जो है थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हवा तो चल रही है लेकिन सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। आप देखो लोग बिल्कुल पैक है, पूरा मुंह ढका हुआ है, पूरा चेहरा ढका हुआ है, और ये हमारे शुभम भैया, शुभम भैया ठंड इतनी नहीं लग रही है, लग रही है। ये मेरी फ़ोटो खींचने के लिए बार बार मेरे पास आ रहा है, मैं इसको बोल रहा हूँ कि जल्दी जल्दी अपना काम करो और वापस अपने रूम में चलो, क्योंकि अगर यहाँ पर बीमार पड़ गए तो डॉक्टर की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। और वो वहाँ देखिए कई लोग हैं जो करीना कपूर वाली ड्रेस पहनकर और स्कूटर पे फ़ोटो खिंचाने के लिए भी आ रहे हैं, अपने अपने शौक है, एडवेंचर कर रहे हैं, करने भी चाहिए, लेकिन मज़ा आ गया। नो डाउट रोड बिल्कुल ख़राब थी लेकिन यहाँ आकर बिल्कुल वो सारी थकान दूर हो गई है। ब्लू पानी देखकर ये दूध, अगर ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल से ये पानी डिफरेंट डिफरेंट लग रहा है, अगर मैं आपको कहीं और लेकर चलूँ सूरज की तरफ से तो ये पानी ग्रीन दिखेगा, और अभी जैसे यहाँ छाया हो गई है तो ये पानी ब्लू दिख रहा है। लोगों को देखो कितना इंजॉय कर रहे हैं, वो पीछे वाली पीक्स देखो, स्नो पीक्स उधर आप देखिए, वहाँ पर एकदम बादल ही बादल हो रहे हैं, हवा इतनी चल रही, हो सकता है कि आवाज़ क्लियर ना हो लेकिन मैनेज कर लेना। आप मेरे पीछे देख सकते हैं लोग वापस अपने अपने टेंटों में जाना स्टार्ट हो गए, क्योंकि ठंड बहुत है और बीमार होने के फुल चांसेस हैं। तो हम कल सुबह दोबारा आएंगे और थोड़े से व्यू कैप्चर करके और आगे की डेस्टिनेशन के लिए निकल जाएंगे।